Almighty. Songs written in the shape of energy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये जो महीना अता किया है, इसके बारे में कुरान ने तफसीर से बताया कि ये जो रोज़े हम पर फ़र्ज किए गए हैं, ये क्यों किए गए हैं और इसका बदला क्या है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब कुरान में हम सब को सीधे तौर पर मुखातब होकर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी बिल्कुल सीधे सीधे हमारा रब हम सब से मुखातब हो रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान ने यहूद और नसारा को सिर्फ एक बार मुखातब होकर उनसे गुफ्तगू की, और मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो यहूद और नसारा इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहू, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान ने इस उम्मत मुहम्मदिया को तकरीबन 88 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुखातब होकर फरमाया है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम तक़वा हासिल करो, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता किया है ताकि हम तक़वे वाले बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि हम इस महीने के अंदर सिर्फ रोज़े को रख लें, यानी सहरी से इफ्तार तक भूखे रहें, ये मतलब नहीं होता। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े के इवज हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को दिया है कि जिसको हम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम डरें, उससे तक़वा हासिल करें। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यूं फरमाया हदीसों में कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर नेकियों का जो नेकियों की जो मकदार है उसको बढ़ा दिया जाता है, एक के बदले 70 गुना या 700 गुना तक उसको कर दिया जाता है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीसों के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से ये फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा जो है, उसका जो बदला देगा वो अल्लाह खुद देगा। यूँ तो नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए है, हज भी अल्लाह के लिए है, लेकिन रोज़े को क्यों फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला खुद हूँ उसके लिए, यानी इसकी जो जज़ा होगी वो बताई नहीं क्या है, लेकिन उसका बदला हमारा रब
हमें खुद देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और जो इबादतें हैं, मसलन नमाज का अदा करना, हज का अदा करना, ज़कात का अदा करना, इन सारी इबादतों में मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों रियाकारी शामिल हो सकती है, लेकिन रोजे के अंदर कोई रियाकारी शामिल नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये रोजा वो इबादत है जिसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, जिसको रख कर रियाकारी नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये रोजा अल्लाह से मोहब्बत की दलील है कि फ्रिज में ठंडा पानी रखा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस पानी को नहीं पी रहे। क्यों नहीं पी रहे? कि अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। यही है लअल्लकुम तत्तकून, और यही है वो तक्वा जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम तक्वे वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कोई इंसान हज जैसी इबादत को कर रहा है, कोई इंसान ज़कात जैसी इबादत को कर रहा है, नमाजों को पढ़ रहा है, उसमें रियाकारी शामिल हो सकती है, लोगों को दिखावा हो सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी शामिल नहीं है, जिसमें शिर्क शामिल नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको इतना ऊंचा, इतना बुलंद मकाम अता किया कि रोजा मेरे लिए और मैं रोजेदार के लिए, यानी इसका बदला मैं खुद दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, गर्मियों का रोजा है, खाना बिल्कुल सूखा हुआ है, आप इंसान वजू करता है और मुंह में पानी भी लेता है, लेकिन वो पानी हलक के नीचे क्यों नहीं उतरवा कि लअल्लकुम तत्तकून? यही तक्वा है, यही है कि अल्लाह से डरना, अल्लाह के लिए करना। रमजान मुबारक के महीने के अंदर हमारे घरों में ऐसी कौन सी चीज नहीं होती जिससे हम अपने पेट को न भर लें, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, क्यों? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही है वो तक्वा और यही है अल्लाह से डरना जिसको कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, रोजा इतना बुलंद मकाम है इसका कि किसी इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा वाना अजसी बिही कि इसका बदला मैं खुद हूँ। सिर्फ और सिर्फ रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया कि मैं रोजेदार के लिए हूँ, यानी रोजे का बदला मैं खुद हूँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस रमजान मुबारक के महीने को हमारे दरमियान रखा है, वो कितना अजीम महीना है, कितना बरकत वाला महीना है, कितना रहमत वाला महीना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तीन लोग ऐसे हैं जिसकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता, यानी उनकी वो अगर दुआ को मांगे तो उनकी दुआओं को वापस नहीं किया जाता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो तीन लोग कौन हैं? तीसरा जो दर्जा करार दिया, तीसरा जिसको बताया
इंसान ने रोजा रखा हुआ है, हदीस की किताबों में, तफसीर की किताबों में जितने मुहक्किकीन हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि रोजेदार रोजे की हालत में जब अल्लाह से दुआ करता है तो वो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, उस दुआ को वापस लौटाया नहीं जाता। मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, शर्त ये है कि तकवे के साथ दुआओं का मांगना। मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, कितने फरिश्ते हैं आसमान के ऊपर जिनको ये हुक्म दिया जाता है कि पूरे महीने तुम मेरे बंदों की दुआओं पर आमीन करो। मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, ये इतना मुबारक महीना है, इसकी कदर करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, ये कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसे हम ये समझें कि ये मुसलमानों के त्योहार का महीना है, इसको ठीक ठाक गुजार लो। नहीं, जो कुरान ने कहा कि कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअन्नकुम तत्तक़ून। मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उम्मत पर रोजे फर्ज किए गए हों। रोजा एक ऐसी इबादत है जो पिछली उम्मतों में भी थी, पिछली उम्मतों में जो लोग थे वो रोजे को रखा करते थे, उनके रोजे में और हमारे रोजे में फर्क क्या है? मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, ये उम्मत मुहम्मदिया का बहुत बड़ा बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि उनके रोजे में और हमारे रोजे में अगर कोई फर्क है तो वो फर्क है सहरी का। जो पिछली उम्मतों में रोजे फर्ज किए गए थे उसमें क्या था कि जो कुछ खाना है इफ्तार में खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। लेकिन मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, इस उम्मत मुहम्मदिया को सहरी के तौर पर भी इनाम से नवाजा गया कि इफ्तार भी करो फिर उसके बाद सहरी भी खाओ, जो कि पिछली उम्मतों में नहीं था। ये है उनके रोजे में और हमारे रोजों में फर्क। मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दरमियान इस महीने को रखा है। इस महीने को नहीं जानते हम कि इस्लामी जो 12 महीने हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिल-उला, जमादिल-उस सानी, रजब, शाबान, सफर, ज़िलहजा, रमजान। मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो रमजान का महीना है, बाकी 11 इस्लामी महीनों के नाम अहले अरब ने रखे हैं, अरब वालों ने रखे हैं, लेकिन रमजान का जो महीना है, रमजान मुबारक के महीने का जो नाम है रमजान, इसको अहले अरब ने नहीं रखा बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है इस नाम को। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान, के रमजान का महीने का जो नाम है वो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इस नाम को रखा है। रमजान का मतलब क्या होता है? रमजान के किसी चीज के जल जाने को रमज कहा जाता है, कि रमजान यानी गुनाहों को जला देना, गुनाहों को जला देना। तो मेरे मुख्तारम बुजुर्ग दोस्तों,
का वो शख्स जो कि रमजान मुबारक के महीने के अंदर भी शराब को नहीं छोड़ता, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों उसकी भी मगफिरत नहीं की जाती। तीसरा वो शख्स जो कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अपने दिल के अंदर कीना रखता हो। कीना और बुग्ज में फर्क क्या है? बुग्ज तो ये है कि मैं इस शख्स से नफरत करता हूँ, लेकिन कीना कि मैं इससे नफरत भी करता हूँ और मैं इसको ये नुकसान भी पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरे मतलब बुजुर्ग दोस्तों वो शख्स जो कि अपने दिल के अंदर कीना रखता हूँ उस शख्स की भी रमजान मुबारक के महीने के अंदर मगफिरत नहीं की जाती। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मुबारक महीना अता किया है और इसके अहकाम को भी बताया कि इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर हमें कौन कौन से कामों को करना चाहिए और किस किस कौन कौन से मुकाम है जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। मेरे मुकर्रम बुजुर्ग दोस्तों सिर्फ भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है कि हमने सहरी को खाया और अफ्तार तक भूखे रहे, नहीं, इसका नाम रोजा नहीं है। रोजा तो उन सारी चीजों का नाम है, उस मजमूए का नाम है जो हमें छोटे से छोटे गुनाह और बड़े से बड़े गुनाह से करने से रोक दे। हमारी आंखों का भी रोजा हो, हमारे हाथों का भी रोजा हो, हमारे पाँव का भी रोजा हो, हमारे कानों का भी रोजा हो, हमारी जबान का भी रोजा हो, यानी जिस तरीके से हम गलत चीज को सुन न सकते हो इसी तरीके से हम गलत बातों को बोल न सकते हो, गलत कामों की तरफ चलकर जा न सकते हो, गलत कामों के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल न कर सकते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों हम रोजा रख कर भी अगर गीबत करते हैं, बदखोरी करते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, गालियों को बकते हैं, चोरी करते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों फिर हमारा रोजा रोजा नहीं है। फिर वो क्या है? वो रोजा वो नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखने का हुक्म दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों हम जिस मुआशरे के अंदर आज रहते हैं उस मुआशरे के अंदर हर चीज को यानी हर इबादत को हमने गफलत से लिया हुआ है कि दिल में आया तो कर लिया और दिल में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों कुछ इबादतें ऐसी हैं अगर हम इसको गफलत में लिए रहे और गफलत के साथ इसको करते रहे तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों याद रखें कल कयामत के दिन हमें बहुत बड़ा नियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। आदमी सोचता है कि रमजान मुबारक का महीना आ गया, एक रोजा फर्स्ट डे का और एक रोजा जुमे का, एक रोजा अलविदा जुमे का और एक रोजा चांद रात का, पूरा महीना चार रोजों में गुजार दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों ये कोई बच्चों की बातें नहीं है, ये बच्चे ऐसा करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अकलमंद लोग इस काम को करते हैं और ये समझते हैं कि बस जितने रख लिए बस की नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों आज जिस जमाने के अंदर हम रहते हैं, हमारे घरों के अंदर एसी मौजूद, कूलर मौजूद, पंखा मौजूद, यानी वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे हम गर्मी में भी ठंड महसूस कर सकते हैं। अगर हम अहले अरब को देखें जहाँ पर हम जिन्होंने इस्लाम को सबसे ज्यादा फॉलो किया, क्या अहले अरब सहाबा अगर ये कहते कि हम रोजा नहीं रख सकते, कि हम
पथरीली जमीन पर चलते हैं, सूरज हमारे ऊपर होता है, ना लाइट का कोई सिस्टम है, ना पंखे जैसी कोई चीज है, ना एसी जैसी कोई चीज है, ना कूलर जैसी कोई चीज है, पानी ठंडा तक मैसर नहीं है। मेरे पक्का बुजुर्ग दोस्तों फिर भी रोजा रखते थे, क्यों रखते थे? कोई तो ऐसी बात होगी रोजे में। मेरे पक्का बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहराज पर तशरीफ ले गए तो उनको जन्नत की भी सैर कराई गई और जहन्नम की भी सैर कराई गई। जब दोजख की तरफ उनको ले जाया गया तो देखा कि एक दो लोगों को, एक मर्द कुछ मर्द और कुछ औरतों को उल्टा लटकाया हुआ है और नीचे आग जली हुई है। आग ऐसी कि वो नीचे से जब उठती है तो पूरे बदन को जला देती है। मेरे मुख्तार बुजुर्ग दोस्तों पूरे बदन जलने के बाद कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब कि उनको फिर से खाल अदा की जाती है और वो आग फिर से जलाती है और सब जो है बिल्कुल हड्डी की तरह पक रहा होता है, इतनी बुरी तरीके से वो आग लपेटे में ले रही होती है। फरिश्तों ने पूछा कि ये कौन शख्स है, ये कौन लोग है? तो मेरे मतलब बुजुर्ग दोस्तों उन्हें बताया गया अल्लाह के नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये वो लोग हैं जो फर्ज रोजे को छोड़ देते थे, फर्ज रोजे को नहीं रखा करते थे। मेरे मुख्तार बुजुर्ग दोस्तों आज हम ये समझते हैं कि गर्मी के रोजे हैं, नहीं रख सकते, बॉडी में पानी की कमी आ जाएगी। मेरे मुख्तार बुजुर्ग दोस्तों अगर आप अपने अमलों को इस्तेमाल करें इस चिलचिलाती धूप के अंदर, इंसान दुनिया को हासिल करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाता है और चिलचिलाती धूप में वापस आता है, वो उसके लिए करना आसान है क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे दुनिया में ये इनाम मिलेगा, दुनिया की ये डिग्री मिलेगी। लेकिन इसके बरक्स रोजे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि मेरे मुकर्रम बुजुर्ग दोस्तों हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं, हमारा यकीन इतना मजबूत नहीं कि ये किस चीज की गवाही दे कि ये रोजा जो है कल कयामत के दिन मेरे और आजाम के दरमियान ढाल बनेगा। मेरे मुकर्रम बुजुर्ग दोस्तों आज की जो नौजवान नस्ल है वो भी इसी तरफ जा रही है और गफलत में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस घर के अंदर उसके माँ बाप ने पूरे महीने के रोजे नहीं रखे तो वो अपनी औलाद से ये आरजू न करे कि उसकी औलाद पूरे महीने के रोजे रखेगी। मेरे मतलब बुजुर्ग दोस्तों हम और आप जिस लापरवाही और जिस गफलत में पड़े हुए हैं कि रमजान मुबारक के महीना आया उसके अंदर के जो रोजे हैं वो हम पर फर्ज करार दिए गए, लेकिन उसको इतनी लापरवाही के साथ, इतनी गफलत के साथ छोड़ दिया जाता है कि बेटा रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन है कि बस रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो मत रखो। हालांकि रोजे फर्ज हैं, बालिग होने के बाद रोजे को फर्ज करार दे दिया जाता है। ऑफिस छोड़ दो, दुनियावी तालीम जो है उसको कम कर दो, लेकिन फर्ज रोजे को रखो। अगर आज तुम इन रोजों को छोड़ दोगे, कल इन रोजों को रखना चाहोगे तो मेरे मुख्तलिफ बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे हालात लाएगा कि तुम्हारे अंदर शौक मौजूद होगा, तुम रोजा रखना चाहोगे लेकिन रोजा नहीं रख सकोगे। मेरे मुख्तलिफ बुजुर्ग दोस्तों अगर हम अपने अमलों को दौड़ाए, अपने अमलों से सोचे तो अभी कुछ सालों पहले का आप सोच लें कि दिल चाहते था मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का, जुमा पढ़ने का, लेकिन अगर उससे महरूम रखा, ये क्यों रखा था? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों खासकर नौजवान नस्ल जिनकी क्लासें चल रही है, कोचिंग चल रही है, इन
जाते, जो रोजे हम पर और आप पर फर्ज करार दिए गए हैं, उन रोजों को इन कोचिंग के चक्कर में, इस स्कूल के चक्कर में ना छोड़े। मेरा मतलब बुजुर्गों दोस्तों, आप इस दुनिया के अंदर रहकर, खासकर नौजवान तलबा, आप इस दुनिया के अंदर रहकर अच्छी डिग्रियों को हासिल कर लेंगे, अच्छी नौकरियां भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरे मतलब बुजुर्गों दोस्तों, कोई भी कितनी भी अच्छी डिग्री ले ले, कितनी भी अच्छी जॉब कर ले, लेकिन जाना रब के पास ही है। तो मेरे मतलब बुजुर्गों दोस्तों और मेरे खास नौजवान तलबा, जो इस वक्त इस गर्मी के अंदर क्लासेस भी चल रही हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, लेकिन इनका बहाना लगाकर, इसको हील हीला बनाकर, इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर फर्ज जो रोजे हैं इनको ना छोड़ें, वरना कल कयामत के दिन अल्लाह जब हमसे पूछेगा और हमें इसकी सजा देगा, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा वजूद ऐसा नहीं है कि हम उसको, उस अज़ाब को बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम ये नियत करें कि हम अलविदा जुमे वाले रोजेदार न बने, पहला रोजेदार, पहला जो रोजा है उसको पाबंदी से रखने वाले रोजेदार न बने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज करार दिया है, उस पर हम उसी पाबंदी से चले जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बतलाया है। कोई कुछ नहीं जाता, कोई कमजोरी नहीं आती, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुरान में कह रहा हो करने को और हम उसको करें तो हमारा घाटा हो, वो ही नहीं सकता। हम उसके फर्ज को पूरा करें और हमें बीमारी लगे, वो ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया, फर्ज करार दिया, अगर हम इसको रखते हैं, इसको रख कर कोई काम करते हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हो ही नहीं सकता कि इस रोजे को रख कर किसी काम को करने में खसारा हो, वो नहीं हो सकता। ये हमारी और आपकी भूल है, आपकी गफलत है कि हम रोजे को नहीं रखते ये सोचकर कि बीमारी हो जाएगी, कमजोर हो जाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मरना उसी वक्त है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा हुआ है, चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे मत खाओ चाहे मत पियो, मरना उसी वक्त है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस लापरवाही को खत्म करें, क्योंकि आज का जो माशरा है उसमें रोजा रखने वालों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। टोपी लगी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन रोजा नहीं है। ये कोई कमेंट्स नहीं है, ये तो सोचने का मकाम है, अफसोस करने का मकाम है कि हम मुसलमान होकर भी रोजे से महरूम हैं। फिर हम ये शिकवा करते हैं कि मुसलमानों पे ये हालात आ रहे हैं, मुसलमानों पे वो हालात आ रहे हैं, मुसलमानों पे कोई हालात नहीं आ रहे। मुसलमान अगर अपने रब को राजी करने में आ जाए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसका रब भी उसकी इसी तरीके से हिफाजत करेगा जिस तरीके से सहाबा की, जिस तरीके से अंबिया इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की। लेकिन यकीन ऐसा बनाना पड़ेगा, इबादत इसी तरीके से करनी पड़ेगी। हमारी क्या इबादत है, एसी में रहते हैं, लेकिन गर्मी का रोजा, हिम्मत खत्म, नहीं रोजा नहीं रख पाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का, अगर उसको शौक है तो रोजा रख लेता है, एक 45 साल का बुड्ढा रोजा नहीं रख पाता। क्यों? धूप बहुत है, दुकान पे जाना है, ऑफिस में जाना है, पढ़ाने जाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हम सामने हाजिर होंगे, तब पता चलेगा कि रोजा रखना था या नहीं रखना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।